मैडम, इन्हें अंदर करके हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर क्या करें, कानून से बंधे हुए। हेलो हेलो, मालिक बोल रहा हूँ। क्या हुआ? अरे भाई, वो हरामखोर माधव की मदद करने आया था 10 आदमियों को लेकर। कितने लोकेशंस पर होगी शूटिंग, कब तक रिलीज होगी फिल्म, बॉलीग्राम स्टूडियोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मजधार मूवी के बाद अब मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट निकालने का सोचा है, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। ये मजधार मूवी किसी भी मूवी की रिमेक नहीं थी, ये मूवी ओरिजिनल रिटर्न थी। इसमें हमें 3 बचपन के दोस्त की कहानी देखने को मिली थी, राधा, गोपाल और कृष्णा। राधा और कृष्णा को एक दूसरे से प्यार होता है और गोपाल भी राधा से प्यार करता है, लेकिन राधा गोपाल से नहीं करती। इसके बाद मूवी में काफी ट्विस्ट आते हैं जो इस मूवी को काफी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब इसका सीक्वल मजधार 2 में भी हमें एक नई लव स्टोरी देखने को मिल सकती है, जिसमें हमें शायद 3 एक्टर्स दिखे। दोस्तों, ये भी एक ओरिजिनली रिटर्न मूवी होने वाली है। ये मजधार मूवी के राइटर सलीम खान थे, तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि इसके दूसरे पार्ट की स्टोरी भी वही लिखने वाले हैं, जो कि एक नई और इंटरेस्टिंग लव स्टोरी होने वाली है। बात करें मूवी की शूटिंग के बारे में, तो ये मजधार मूवी की शूटिंग अलग अलग लोकेशन में ना होके सिर्फ मुंबई में हुई थी। मुंबई के 2-3 स्टूडियोज में ही इस मूवी को शूट किया गया था। ये मूवी 1996 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस मूवी की शूटिंग 1992 में ही स्टार्ट कर दी गई थी। इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर में क्लाइमेक्स को लेकर कुछ विवाद होते रहते थे, इसलिए इस फिल्म को कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया था। उसके कुछ दिनों बाद ही इसकी शूटिंग कंटिन्यू हुई थी और ये फिल्म 1995 में बनकर रेडी हुई थी। दोस्तों, मजधार 2 मूवी की शूटिंग इंडिया के कई फेमस लोकेशन में होने वाली है, और हो सकता है कि शायद मूवी के बेहतर क्लाइमेक्स के लिए मेकर्स इस मूवी के कुछ सीन्स फॉरेन कंट्रीज में भी शूट कर सकते हैं। इस बार मूवी का बजट भी हाई जाने वाला है। मजधार 2 मूवी की रिलीज डेट को लेकर अभी कोई न्यूज सामने नहीं आई है, इस मूवी की शूटिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। अभी इसकी स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है, खबरों की माने तो ये मूवी हमें 2023 के एंड में देखने को मिल सकती है। ये मजधार 1996 में रिलीज हुई थी और अब इसके 27 साल बाद हमें इसका सीक्वल देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस मूवी में हमें सलमान खान, मनीषा और राहुल रॉय देखने को मिले थे, लेकिन अब मजधार 2 में सलमान खान के अलावा बाकी एक्टर्स को साउथ के एक्टर्स से रिप्लेस कर दिया जाएगा। मनीषा की जगह हमें इस बार अनुष्का शेट्टी नजर आने वाली है। राहुल रॉय को कौन रिप्लेस करेगा, इसको लेके कोई न्यूज सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी जगह पे भी हमें कोई साउथ के एक्टर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मजधार 2 को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक सेफ रहें, खुश रहें।